एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन अबाउट द आथर। सबसे पहले आथर के बारे में देख लेते हैं। अल्फोंसे डाउटेड 1840-1897 वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसे डाउटेड जो है फ्रेंच उपन्यासकार और एक छोटी कहानी लिखने वाले लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वार 1870-1871। जो लास्ट लेसन है फ्रेंको पर्शियन युद्ध, मतलब फ्रांस और पर्शिया के जो बीच में युद्ध हुआ था 1870 से लेकर 1871 के बीच में, उस समय लिखा गया था। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। और उस युद्ध में फ्रांस जो है हारा गया पर्शिया के द्वारा, और जिसमें पर्शिया का नेतृत्व किया किसने किया था, बिस्मार्क ने। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। अब पर्शिया जो है किन देशों से मिलकर बना है, जो वर्तमान में देश है जर्मनी पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। अब इन तीनों देशों से मिलकर जो है पर्शिया उस समय बना हुआ था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इंटू पर्शियन हैंड्स। अब जो है इस कहानी में जो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सेस और लॉरेन, वह किसके हाथों में चला गया था, पर्शियन के हाथों में चला गया था। तो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि इन दो जिलों में कि वहाँ के जो स्कूल है उस पर उस युद्ध का क्या असर पड़ा, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। ड्रेड मीन्स होता है डर और स्कॉल्डिंग मीन्स होता है डांटना। अब यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि उस दिन मैं प्रातः स्कूल के लिए बहुत देर से निकला और मुझे डांट पड़ने का बहुत डर लग रहा था। ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। स्पेशली मतलब खासकर क्योंकि एम हेमल जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमसे कहा था कि मैं पार्टिसिपल के बारे में पूछूंगा। ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मैं उसके प्रथम शब्द के बारे में नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट कुछ समय के लिए आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, वहाँ से भाग जाने के लिए सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स और अपना समय जो है स्कूल के बाहर बिताने के लिए सोचा। इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट, और मौसम कैसा था, बहुत वार्म था और चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो पक्षियाँ थी वह जो है जंगल में क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो सामिल मीन्स होता है आरा मिल के जो पीछे के जो खुले मैदान थे उसमें जो पर्शियन सोल्जर जो है क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे वर ड्रिलिंग। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल, यह जो दृश्य था मेरे लिए पार्टिसिपल के जो नियम थे उसकी अपेक्षा बहुत प्रलोभित करने वाले थे। टेम्पटिंग मीन्स होता है प्रलोभित करना, ठीक है। टेम्पटिंग इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। किंतु जो हमको जो प्रलोभित कर रहा था उससे मैं क्या किया, उसको काबू पाने की मुझ पर शक्ति थी। स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट मीन्स होता है काबू पाना किसी चीज़ पर या रोकना। अब उस प्रलोभित करने वाली चीज़ों को मुझे रोकने की शक्ति थी। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं इसके बाद स्कूल के लिए निकला, जल्दी से निकला। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो वहाँ जो है भीड़ लगी हुई थी, कहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पे सूचना निकलता है वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। अब पिछले दो साल से, फॉर द लास्ट टू ईयर्स, जो पिछले दो साल से जितने भी हमारे बुरी खबरें थे, बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, वहाँ से आ रहे थे। द लास्ट बैटल्स द ड्राफ्ट दी ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। अब उसमें सूचना में क्या क्या था, जो जितने भी हम लोग युद्ध हारे हुए थे और जो जो भी सैनिक भर्ती थे, ड्राफ्ट थे,
और दी ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर है कि उसके आदेश है उन सूचना पटल पर निकलते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और मैं स्वयं जो है सोचा बिना रुके विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मामला क्या हो सकता है। देन एस आई हरीड बाई एस फास्ट एस आई कुड गो, तब जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी मैं वहाँ से गया। द ब्लैक स्मिथ वास्टर हु वॉज देयर विथ हीज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, अब वहाँ लोहार जिसका नाम वास्टर था वहाँ पे था अपने प्रशिक्षु या प्रशिक्षार्थियों के साथ। अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षु या विद्यार्थी बोल सकते हैं या शिक्षार्थी बोल सकते हैं। रीडिंग द बुलेटिन सूचना को पढ़ते हुए, कॉल आफ्टर मी, आफ्टर मतलब यहाँ पीछे के अर्थ के लिए उपयोग किया गया है, जो उन्होंने पीछे से मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ। बब मिस लड़के, इतनी जल्दी मत जाओ लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपना विद्यालय जो है समय से पहले पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड आई रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब होता है हाँफते हुए, मैं हाँफते हुए एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुँचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पर जब स्कूल प्रारंभ होता है, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बहुत अधिक वहाँ क्या होता है हलचल होता है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे उस गली के बाहर जो है सुना जा सकता था। दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क मतलब डेस्क का खुलना और बंद होना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और जो पाठ हम लोग एक साथ दोहराते थे उसको भी सुना जा सकता था, और वो कैसा था वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से भरा हुआ आवाज़ था। तो विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम समझने के लिए अपने हाथों को कान के ऊपर रख लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और किसका आवाज़ था, टीचर का रूलर का जो खटखटाने का आवाज़ था टेबल पर उसको भी सुना जा सकता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, किंतु अब वहाँ बिल्कुल शांति था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मैंने सोचा कि अपने जगह पर बिना किसी के देखे हुए और बिना कोई कमोशन, कमोशन मतलब होता है यहाँ पे अफरा तफरी या शोर कुल के वहाँ पे अपने जगह पर पहुँच जाऊँ। किंतु आपको अवश्य, दैट डे एवरी थिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, किंतु उस दिन कैसा था, बिल्कुल जिस प्रकार संडे के सुबह समय रहता है बिल्कुल शांत रहता है, उसी प्रकार उस दिन जो है हर चीज़ वहाँ पर बिल्कुल शांत था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, खिड़की में से होकर मैंने अपने दोस्तों को देखा, क्लासमेट को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, जो पहले से अपने जगह पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हीज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हीज आर्म, अपनी बाह पर लिए हुए रूलर को एम हेमल जो है स्कूल के ऊपर नीचे जो है क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मैंने दरवाज़ा को खोला और सभी के सामने जो है गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, ब्लश्ड मतलब होता है यहाँ पे लज्जा से क्या हो जाना, लाल हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप कल्पना कर सकते हो, यू कैन इमेजिन कि मैं कैसे लज्जा से लाल हो गया था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना भयभीत हो गया था। बट नथिंग हैपन्ड, किंतु कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सैड वेरी काइंडली, और मुझे बिल्कुल विनम्रतापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच लड़के का नाम था, लिटिल फ्रेंच फ्रेंच था, तो कहते हैं कि लिटिल फ्रेंच अपने जगह पर जल्दी जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम लोग जो है तुम्हारे बिना पाठ को प्रारंभ करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर कूदा एंड अपनी जगह पर क्या कर गया, बैठ गया, डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, और जब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मैं अपने डर पर भयभीत नहीं, अपने डर से दूर नहीं हो पाया। आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, आई हो गया, तब तक मैं वहाँ पे चुपचाप शांत बैठा रहा। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हीज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट,
फिर मैंने देखा कि मैं हमारे जो टीचर थे वह बहुत सुंदर कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उन्होंने झालरदार कमीज पहने हुए था और काला टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो जिसमें पूरी तरह से कढ़ाई किया हुआ था। दैट ही नेवर ओर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिन्हें वे किसी जांच पे जाना हो या फिर किसी पुरस्कार वितरण समारोह में ही उसको पहना करते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम, इन सब के अलावा विद्यालय जो है अजीब सा लग रहा था और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट, किंतु चीज जो मुझे सबसे ज़्यादा क्या किया सरप्राइज किया आश्चर्यचकित किया वह क्या था कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे का जो बेंच था हमेशा क्या रहता था खाली रहता था। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, जिस प्रकार हम शांत बैठे हुए थे उसी प्रकार गांव के लोग जो है क्लास में पीछे के बेंच में बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, और एक ओल्ड हाउसर जिस जो तीन कोने वाला टोपी पहना हुआ था। द फार्मर मेयर द फार्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, पूर्व पोस्टमास्टर और मेयर और इन सब के अलावा अन्य लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड फ्राइमर, सभी लोग क्या उदास दिख रहे थे और हाउसर जो है एक पुराना पुस्तक लेके आया था। थम्ड एट द एज, जो कोने से मुड़ा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन एंड ऑन हीज नीस विथ हीज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और उन्होंने उस पुस्तक को अपने घुटनों पर रखे हुए था और उसमें जो है पेज के आर पार जो है एक चश्मा, बड़ा सा चश्मा जो है पड़ा हुआ था। आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट आल, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, जिस समय इन सब के बारे में मैं सोच रहा था एम हेमल जो है को अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और जिस प्रकार वो गंभीर और कोमल स्वर जो हमेशा वो हमारे लिए उपयोग किया करते थे उसमें कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो इसे मैं आपको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, आदेश जर्मनी से बर्लिन से आ गया है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या है अभी बर्लिन, बर्लिन से जो है आदेश आ चुका है और अल्सेस और लॉरेन के जो विद्यालय में हैं केवल जर्मन भाषा को ही पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए मास्टर है वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच, मतलब फ्रेंच की भाषा का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग जो है ध्यान से इसे सुनो। वाट अ थंडर क्लेप दीज वर्ड्स टू वर टू मी, यह शब्द मेरे लिए बिजली की गर्जन के समान थी। ओ द रिच, वे दुष्ट लोग, अरे वे दुष्ट लोग, दैट वॉज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो उन्होंने टाउन हॉल की सूचना पटल पर लगा रखी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यह मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ था। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मैं मुश्किल से जानता था कि कैसे इसको लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मुझे आगे इसको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, तब मुझे ऐसा लगा और मुझे दुख हुआ कि क्यों अब मैं जो है अपना लेसन, अपना पार्ट जो है आगे नहीं पढ़ पाऊँगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, क्योंकि जिस समय मुझे पार्ट को अपनी सीखना था उस समय मैं क्या कर रहा था, पक्षियों की अंडों की तलाश कर रहा था और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार नदी के किनारे स्लाइडिंग पर जा रहा था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, अब निशेंस मतलब बहुत ना चीड़ पैदा करने वाला, अब जो मेरे पुस्तकें थे वो मुझे कुछ समय पहले कैसे लगते थे, चीड़ लगता था देख के उसको, और सो हैवी टू कैरी, और मुझे उठाने में बहुत भारी लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब जो मेरे ग्रामर का बुक है और संतों के बारे में जो इतिहास का बुक है अब मुझे अपने क्या लगते थे, दोस्त लगते थे, जैसे पुराने दोस्त हो।
इस टाइप का वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ एंड दैट आई कुड गिव अप, जिसे मैं अब छोड़ नहीं सकता था, एंड एम हेमल टू, ठीक है, और हेमल को भी. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और यह विचार कि मी एम हेमल जो है हमको छोड़कर जाने वाले हैं और हम उसे कभी भी नहीं देखें पाएंगे, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, तो मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, मुझे ये सब भूलने पर मजबूर कर दिया कि कैसे वे अपने रूलर का उपयोग करते थे और कैसे वे हाउ क्रेंकी ही वाज. क्रेंकी मीन्स क्या होता है, विचित्र या बुरे स्वभाव का. वो कैसे बुरे स्वभाव के थे या विचित्र स्वभाव के थे, ये भी भूलना हमें को पड़ गया. पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, जो बेचारे व्यक्ति जो गांव से आए हुए थे, वो जो है अंतिम पाठ के सामान में आए हुए थे, वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, और जिस प्रकार भी संडे के दिन अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार वे लोग जो है अच्छे कपड़े पहनकर विद्यालय में आए हुए थे. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं अब समझ गया. Why the old man of the village were sitting there in the back of the room? क्यों गांव के वृद्ध व्यक्ति जो है रूम के पीछे बैठे हुए थे? It was because they were sorry too. यह इसलिए था क्योंकि वे भी दुखी थे कि they had not gone to school more. वे अधिक विद्यालय नहीं जा पाएंगे. It was their way of thinking of our master for his 40 years faithful service. यह उनका तरीका था हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का उसके 40 साल की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए. एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और अपने देश के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए जो उनका अब नहीं होने वाला था. व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जिस समय इन सब के बारे में मैं सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, अब यह मेरी बारी है पार्टिसिपल, यह मतलब ग्रामर के रूल को, मतलब पार्टिसिपल के रूल को बताने की. वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, और मैं उसको उत्तर देने के लिए बिल्कुल भी असमर्थ था. एबल टू से जो दैट ड्रीटफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल आल दो, जो पूरी तरह से क्या था, जिसका रूल कैसा था, बहुत डरावना था, ड्रीटफुल था, डरावना था. आल वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, अब मैं अपने आप को तैयार किया और ऐसा सोचा कि मैं जोर से कहूँगा और स्पष्ट तरीके से कहूँगा. वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना कोई गलती किए. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, किंतु मैं पहले ही शब्द में क्या हो गया, उलझन में पड़ गया, मिक्सड अप हो गया, उलझ गया. एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा हो गया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मतलब अपने डेस्क को पकड़े हुए वहीं पे खड़ा हो गया. माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल की धड़कन जो है बढ़ रही थी. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैंने ऊपर सर उठाकर देखने का साहस नहीं किया. आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने एम हेमल को कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें निश्चित ही बुरा लगा होगा. सी हाउ इट इज, देखो कैसी स्थिति है. एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हर दिन जो है हम अपने आप से कहते हैं, बाह मतलब छोड़ो भी, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत अधिक समय है. आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल सीख लेंगे. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं. आ दैट्स ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, यह सबसे बड़ी समस्या है अल्सेस की लोगों की, जो है आज की बातों को या आज की जो सीखने की चीज़ है उसको कल पर टाल देते हैं. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, जो आज की चीज़ें हैं, जो आज है उसको कल के लिए टाल देते हैं. नाउ दोज फेलोज आउट ऑफ देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वहाँ बाहर बैठे लोग तुमसे ऐसा करने का अधिकार रखते हैं कि क्या बात है. हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, मतलब तुम जो है फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो, और एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट यूअर ओन लैंग्वेज, न तो तुम अपनी भाषा में बोल सकते हो और न ही अपनी भाषा में लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन अब यहाँ पे कह रहे हैं बट यू आर नॉट द वर्स्ट फॉर लिटिल फ्रेंच, लेकिन बेचारे नन्हे फ्रेंच तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो. यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सर्विस विथ,
हम सबके पास स्वयं को कोसने के लिए बहुत कुछ है। पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म आर एट द मिल्स। अब तुम्हारे माता पिता जो है वो भी पर्याप्त चिंतित नहीं थे तुम्हारी पढ़ाई के प्रति, वे बस यही करते थे कि तुम्हें खेतों पर काम पर भेज दिया करते थे एंड एट द मिल्स और आराम मिल पर, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा बहुत पैसा आ सके। एंड आई, और मैं, आई बीन टू ब्लेम आल्सो, उसमें कुछ मेरा भी दोष है। आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मैं जो है तुम्हारे पाठ को पढ़ाने के बजाय क्या तुम लोगों को फूलों पर पानी डालने के लिए नहीं भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो डिड आई नॉट जस्ट गिव अ हॉलीडे, क्या मैं आप लोगों को छुट्टी नहीं दिया करता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज। अब यहाँ पे कह रहा है कि फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हेमल फ्रांसीसी भाषा की बात करने लगे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और कहते हुए कि यह दुनिया की सबसे अच्छी भाषाओं में से एक है, सुंदर भाषाओं में से एक है। द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गॉट इट एमंग अस, एकदम स्पष्ट, सबसे तर्कपूर्ण, और यह कि हमें इसे अपने बीच संभाल कर रखने चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज व्हेन अ पीपल आर स्लेव्ड, और जब व्यक्ति जो है गुलाम, व्यक्ति को गुलाम बना दिया जाता है तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी भाषा को पकड़े रखता है तो इट इज एस इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो वह उनकी भाषा जो है ऐसा है मानो जिसे बोल सकते हैं जेल घर का चाबी हो, दे की टू देयर प्रिजन, उसके जेल घर का चाबी हो। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, उसके बाद में एम एम जो है ग्रामर को बुक को क्या किए, ओपन किए एंड रीड अस अवर लेसन, और हमारे लेसन को पढ़े। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मैं आश्चर्यचकित था कि कैसे मैं इतना अच्छे से उसको समझ गया। ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी सो इजी, वो जो भी उन्होंने कहा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह बहुत इजी है, बहुत ही सरल है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मानो कि मैं इसको और कभी इतने अच्छे से नहीं सुना हूँ। आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरी थिंग विथ सो मच पेशेंस, और ये भी था कि ऐसा पहले ऐसा नहीं हुआ था जो जितना आज धैर्य से जो एम हेमल जो है हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे वैसा बिल्कुल कभी और नहीं किया था। इट सीम्स ऑलमोस्ट एस इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, अब ऐसा लगता था कि मानो वह गरीब बेचारा व्यक्ति, पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति हम सबको जो है जितना भी वो जानता था उसको जाने से पहले हम सबको देना चाहता था, मतलब हमको सबको पढ़ाना चाहता था। बिफोर गोइंग अवे एंड इट पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वह उसे एक ही बार में उसको क्या करना चाहता था, हमारे सर पर घुसा देना चाहता था, मतलब हमको सबको कुछ बता देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, व्याकरण के बाद हमें लिखने का एक पाठ करवाया गया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी, रिटर्न इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, इसमें सुंदर लिखावट के साथ लिखी हुई थी, फ्रांस असेस फ्रांस असेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वे छोटी छोटी झंडियों के समान लग रही थी जो कक्षा में सभी जगह फहरा रही थी। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो हमारी डेस्क के ऊपर छड़ी से लटकी हुई थी। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, अब काश आप देख पाते कि सभी कैसे अपने काम में लगे थे और वहाँ कितनी शांति थी। दी ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेंस ओवर द पेपर, और वहाँ एकमात्र साउंड था पेपर पर पेन की चलने की आवाज़। वंस सम बीटल्स फ्लीव इन,
जब एक बार कुछ कीट पतंगे जो है अंदर आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, किंतु कोई भी व्यक्ति जो है उस पर ध्यान नहीं दिया, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, और न ही छोटे बच्चों ने उस पर ध्यान दिया जो अपने अपने मछली कांटे ट्रेस करने करके बनाने में लगे हुए थे, हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपने मछली कांटे को ट्रेस करके बनाने में लगे हुए थे। एस इफ मानो दैट वॉज फ्रेंच टू, जैसे मानो वह फ्रांसीसी भाषा ही हो। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, अब जो पिजन है कबूतर हैं वे जो है धीमे आवाज से गुटर गु छत पर कर रहे थे, और मैंने सोचा एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा कि विल दे मैक देम सिंग इन जर्मन, और मैंने सोचा कि क्या वे जर्मनी भाषा में गवाएंगे कबूतरों को भी, ठीक है। विल दे मैक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एम हेमल्स सिटिंग मोशनलेस इन ही चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, अब यहाँ पे कह रहा है कि जब कभी मैं अपने लिखने के काम से नज़र ऊपर उठाता, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा, मैं देखता था एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, जो कैसे बैठे हुए थे अपने चेयर पर मोशनलेस, बिना हिले डुले बैठे हुए थे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन अनदर, और एक चीज़ को घूर कर देखते हुए देखते थे और फिर दूसरी चीज़ों को देखते थे। एस इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हीज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, अब ऐसा लगता था मानो वे सभी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में फिक्स करना चाहते थे, बैठाना चाहते थे कि कैसे एवरी थिंग हर चीज़ जो है उस स्कूल के छोटे से रूम में दिखता था। फैंसी मानो, फैंसी मतलब यहाँ पे होता है कल्पना करो या मानो, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और ऐसा क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पिछले 40 साल से जो है उसी जगह में था, ठीक है, उसी जगह में मतलब उसी स्कूल में पढ़ाता था। विथ हीज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उनका बगीचा जो है खिड़की के बाहर था, एंड हीज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी कक्षा जो है उसके सामने, बिल्कुल वैसे ही, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, जो डेस्क और बेंच थे आपस में घिसकर चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, और जो अखरोट का पेड़ है बगीचे में वह लंबा हो चुका था। एंड द हाफ माइंड दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और बेल का पेड़ जो उसने स्वयं जो है लगाया था। ट्विंटेड अबाउट द विंडो टू द रूफ, जो खिड़की में से होकर छत तक घुसते हुए पहुंच गया था, ठीक है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट एट ऑल, इन सबको छोड़कर जाना उनके हृदय को तोड़ देने वाला था। पुअर मैन, वह बेचारे व्यक्ति, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट मिस होता है इधर उधर, वह अपनी बहन की उधर उधर चलने की आवाज़ को सुनकर जो ऊपर के कमरे में थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो क्या कर रही थी अपने सामान को बांध रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन देश को छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, अब यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन उनमें प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड लेसन इन द हिस्ट्री, लिखने के बाद अब हमारा अगला क्लास क्या था, हिस्ट्री का था, इतिहास का था। एंड देन द बेबीज चैंटेड, उसके बाद जो है जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गाना सुनाए, गाना कैसा था, बा बे बी बो बू, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अब उस क्लास के जो पीछे में बैठे हुए लोग थे जिसमें था ओल्ड हाउसर, उसने अपने अपने चश्मों को निकाला, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और जो पुराने पुस्तक लेके आया था उसको दोनों हाथों से उठाया, एंड स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनमें से कुछ अक्षरों को क्या किया, स्पेल किया, उच्चारण किया। यू कूड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हैं कि वह भी उस समय रो रहा था। हीज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसकी आवाज़ जो है भावनाओं के कारण कांप रहे थे। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई,
अब यह बिल्कुल विचित्र था कि यह सुनकर, यह आपको विचित्र लगेगा कि यह सुनकर कि हम लोग हंसना भी चाहते थे और रो भी रहे थे। एंड आई वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, आ हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, और कैसे मुझे अच्छी तरह से याद है दैट द लास्ट लेसन, वह हमारा अंतिम पाठ। ऑल इट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घड़ी में 12 बजने की आवाज़ सुनाई दी। देन द एंजलस, एंजलस मीन्स होता है यहाँ पे प्रार्थना की घंटी, फिर दोपहर की प्रार्थना की घंटी सुनाई दी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन, फिर उसी समय पर्सियन सैनिकों की ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई दी। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल्स, जो अपने ड्रिल से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर अवर विंडोज, जो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, हमारी खिड़की के नीचे से आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल, फिर एम हेमल जो है वो तुरंत खड़े हो गए आवाज़ को सुनकर, जो उनका चेहरा जो है वो फीका पड़ गया था उदासी के कारण। इन हिज चेयर आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, और उनकी चेयर पर मैं उनको उतना लंबा कभी नहीं देख पाया था जो अभी उनको देख रहा था। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, मेरे दोस्तों उसने कहा किंतु वह कुछ भी नहीं कर पाया, सिर्फ मैं कह पाया, और उसका गला जो है रुक गया। क्योंकि जिस प्रकार हम लोग ज़्यादा दुखी होने पर कुछ नहीं बोल पाते, उसी प्रकार वे बहुत दुखी थे तो कुछ भी उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकला, गले से आवाज़ नहीं निकला। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वे ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम गए। टू का पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन हिज आल हिज माइट ही रोट एस लार्ज एस ही कूड, फिर वह जितना कसकर पकड़ सकते थे उतना कस के पकड़े। एंड ही रोट एस लार्ज एस ही कूड, और वे जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखे, जो लिखे वो कौन सा वर्ड, कितना वर्ड था, तीन वर्ड था। पहला वाइव ला फ्रेंड्स, क्या लिखे, वाइव ला फ्रेंस, ये तीन वर्ड जो है उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर लिखा, जिसका मतलब क्या होता है, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वे रुक गए और अपना सिर दीवार की तरफ झुकाया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना शब्द किए ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, फिर वो अपने हाथों से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, मतलब स्कूल का समय समाप्त हुआ, अब आप जा सकते हैं। तो यहीं से हमारा स्टोरी जो है ख़त्म होता है, ठीक है।